मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से मेरी बेटी 4 तारीख को यहाँ पे आई है घर पे, और स्कूल से आते ही मैं उसकी ड्रेस चेंज करने लगी हूँ, मैंने देखा उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, तो इस चीज पे मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यवाही की जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। और वो बता जी, नमस्कार, मेरा नाम ना सुमित अरोड़ा है, मेरी शुभी का नाम, मेरी बेटिया का नाम शुभी अरोड़ा है, जो रोजरी चर्च स्कूल निरंकारी में पढ़ती है। हाँ, तो 3.5 साल की बच्ची है, नर्सरी में पढ़ती है लोटस में। अभी हमारे साथ जो वारदात हुई है बच्ची के लिए, ये हम लोग बहुत परेशान हैं। आज 9 सितंबर को मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ, 9 सितंबर को, कि हम जब बच्ची को स्कूल से मैं लेने गया था तो एकदम घर लाया था, उसकी माँ ने देखा कि उसके पैंटी में ब्लड लगा हुआ है जब कपड़े चेंज करने लगी, तो हम परेशान हो गए। तभी मैंने कहा यार परेशान हो गए सारे, तो उसके दादा ने कहा कि हाँ जाओ भाई गायनेक को दिखाओ। हम जरफटा डॉक्टर पास गए और उसने कहा कि कुछ किया गया इसके अंदर, और हिंदू राव में उसने हमें जाके बोला, ये समुदाय भवन हमें लेके गए थे उसे, जहाँ उसका कार्ड बना हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदू राव जाओ वहां पे, उसने टेस्ट में सब क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये चीज पाई गई है, बच्ची की छिड़खान हुई है, सब रिपोर्ट है हमारे पास। फिर हमने उसे 100 नंबर फोन किया, ठीक है। हाँ, उससे पहले बिटवीन हम जब जा रहे थे तब हमने मैडम को फोन किया था, आरती मैडम को, कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे बच्ची का ये पाया गया, बोला है गायनेक कि ऐसा पाया, हम टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो मैडम ने कहा ठीक है जैसे भी हो मुझे बताना, हम चले गए। उसके बाद फिर वहां पे पा गया कि हाँ भाई बच्ची के अंदर कुछ छिड़खानी करी गई है। हम परेशान हो गए, हमारे हाथ पैर फूल गए, हमने 100 नंबर फोन कर दिया, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, ठीक है। पर पुलिस से पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें डराया धमकाया गया, कि डराया धमकाया ऐसे नहीं किया, मतलब पुलिस से नहीं धमकाया गया, ऐसे करा गया कि जैसे कि मतलब हम परेशान हो चुके थे कि हम करें क्या। फिर हमसे बयान लिया गया, हाँ SHO साहब वगैरह सबने हमें कहा कि आपकी पूरी सहायता करी जाएगी, उन्होंने हमें कहा, हमने वहां पे सिटी फेस सीज कर दिया है, सब कुछ सीज कर दिया है, आप परेशान मत हो। और उसी दिन रात को हमारी एक स्टेटमेंट ले ली गई कि ऐसे ऐसे आप अपनी स्टेटमेंट दो जो आपको लगाया, तो हमने दे दिया कि ये ऐसा है। अब अगले दिन हमें कोई फोन नहीं आया पुलिस का, SHO साहब का भी फोन नहीं आया, किसी का नहीं आया। हम 12 बजे तक वेट करते रहे, हमें हिंदुराव जानता है HIV का टेस्ट कराने बिटिया का, वो भी हमने करा लिया। अब हम वहां पे टेस्ट करा के आ रहे हैं, 12:30 बजे कोई नहीं, हम थाने पहुंचे जहां 4-5 लेडीज मतलब बड़ा परेशान थी, मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर किया कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं। मैंने फोन किया SHO साहब को, मैंने सर आप कहां करे, हम तो वहां पे बैठे हैं, ACP साहब SHO साहब हम वहां पे फुटेज चेक कर रहे हैं, हम वहीं बैठे हैं, हमने एविडेंस चेक कर रहे हैं, हमारी तहकीकात चल रही, हम स्कूल में ही है। हमने कहा चलो ठीक है, हम खुश हो कि हमारी स्कूल मदद कर रही है, हम वहीं बैठे इसी दिन में क्या हुआ है, ये काउंसलिंग करने मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को काउंसलिंग करने लग गए और बच्चे को माँ से अलग ले गए। 4 लेडीज ने मुझे घेरा हुआ था, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, और मुझे पता भी नहीं चला कि 4 लेडीज ने मुझे घेरा, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी बेटी कब चली गई। मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से मेरी बेटी 4 तारीख को यहाँ पे आई है घर पे, और स्कूल से आते ही मैं उसकी ड्रेस चेंज करने लगी हूँ, मैंने देखा उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, तो इस चीज पे मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यवाही की जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। और वो बताओ कि जैसे धमका रहे थे पुलिस स्टेशन में मैडम कि हाँ भाई अगर कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारे भी केस हो सकता है उल्टा, ये ऐसे धमकाया जा रहा था, हमें ऐसे धमकाया जा रहा था कि जैसे कहे कि हमें तो बच्ची, हम क्यों नहीं ले सकते बच्ची को, हम तो ले आते हमारा राइट है। अरे कैसे ले जाओगे 3.5-4 साल को, क्या आप लेके जा रहे हो, उसे पढ़ा रहे हो, यहाँ दादू तो नहीं आना, पापा तो नहीं ऐसे किया, ऐसे मतलब क्या उसे बात कर रहे, ताकि उसके दिमाग बातें डाल रहे हो, परेशान कर रहे हैं, और इसको भी परेशान इतना किया, ह्यूमिलेट किया कि नहीं बयान लिखो बयान लिखो बयान लिखो। मैंने कहा हमें 2 मिनट सांस लेने दो, हमें थोड़ा टाइम दो, हम बयान देंगे, ऐसे मत करो, बच्चा हमारा 8 महीने का, उसे दूध पिलाना है, सब कुछ है, हमें थोड़ा टाइम दो, घर आके ले लेना। कह रहे नहीं, हमने तो खाना नहीं खाया, मतलब इस तरह पर बहुत टॉर्चर किया कि जबरदस्ती बयान ले लिया इसका, लिखवा लिया, कन्फ्यूज होकर बयान लिखवा लिया इसका, ठीक है जी। अब क्या हुआ, FIR तो अभी तक दर्ज नहीं करी इन्होंने, जबकि 24 घंटे ऊपर हो चुके थे। SHO साहब आते हैं हमें कहते हैं जी सब कुछ ये हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, इन्होंने स्कूल को क्लीन चिट दे दी कि भाई स्कूल की तरफ से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ घर पे हुआ, अब आप देख लो, ये पॉस्को एक्ट है, ये एक्ट है, बेल नहीं, हमें डरा ऐसे डरा दिया, इतना डरा दिया कि हम परेशान हो गए, हम क्या करें, कि हमने क्या किया रहा है, हमने बच्चे अगर करा तो हमें फांसी लगा दो, ऐसे है तो हम थोड़ा गलत है। और 2 वारदात और हो चुकी है हमारे स्कूल में इसमें, कि जैसे पहले इसको चक मारा गया था, उसमें स्कूल प्रशासन ने कहा कि हाँ भाई हमने समझा दिया वैसा नहीं होगा स्टार्टिंग, फिर
इसकी 2 तारीख अगर 2 अगस्त को इसकी पैंटी नहीं थी जब ये स्कूल से आई, हम लेकर आए दोनों, इसके साथ कॉम्पिटिशन था, इसकी पैंटी चेंज कर ले, पैंटी नहीं थी, हमने स्कूल में फोन किया कि पैंटी नहीं, इसकी मम्मी ने फोन किया पैंटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है शायद स्कूल में टॉयलेट में रह गई हो, ठीक है। ये सब बातें जो हो गया हमें इतना परेशान कर दिया, और ये जब आखिर में जब ब्लीडिंग वाली बात आई, डॉक्टर के साइन है, सारी रिपोर्ट्स है, सब कुछ है हमारे पास, तो हम कैसे डिनाई कर दें, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज। सब चीजें स्कूल से आने के बाद हुई है, बच्चा घर में ही तो बताएगा कि मम्मा मेरे साथ ये हो रहा है, ये हुआ है, प्लीज मैं आपसे प्लीज हमारी विनती है, हमारी हेल्प, हम बहुत परेशान, हमें जस्टिस दिया जाए प्लीज, हमें दवाई की सही जगह कार्रवाई और क्राइम ब्रांच के थ्रू दिया जाए, बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, प्लीज हमारी न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमारी हेल्प की जाए, और हमें बहुत डराया, हम कहे हम बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह पा रहे कि क्या हो रहा है, आप प्लीज हमारी हेल्प करिए और हमारा ये केस आगे क्राइम ब्रांच को दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ स्कूल में ही हुआ है, क्योंकि बच्ची जब भी आती थी स्कूल से तो उसकी माँ बोलती थी कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है, घर से आती थी मम्मी नहलाने जाती थी, कहती मम्मी पापा मम्मी सुसु में दर्द हो रही है, हम लोग सोचते थे कि शायद ये टॉयलेट रोकती है इसी करके है, हमें पता ही टॉयलेट रोकती है, हमें लगा ये, पर ये कुछ चीजें ना बहुत अब बिल्कुल सामने है कि ये कुछ गलत है, और वो बता रही है कि स्कूल के टॉयलेट में या कुछ ऐसा उसने बताया हमें, अब हम परेशान हैं, हमारी मदद करें प्लीज, हमारे मदद करें, स्कूल में ही कराइए सब कुछ, स्कूल और कल्प्रिट को पकड़ना है, चाहे कोई भी हो, हमें इंसाफ चाहिए, प्लीज हमारी मदद करिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो बंदा पकड़ना है कि चाहे जो भी है वो, आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, हम तो सफर कर रहे हैं, चाहे हमें आज ये साले जेल में डाल देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दें जेल में, प्लीज हमारी मदद करी जाए, ये हमारी गुहार आगे लगाई जाए, वीडियो दी जाए, जितने लोग हों हमारी इस वीडियो को आ देंगे।